तो गाइस आज का न्यूज बहुत बड़ी बेड न्यूज है, क्योंकि अभी के टाइम में प्ले स्टोर से फ्री फायर इंडिया जो कि यार रिमूव हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ किसी को भी पता नहीं है। जब मैं ये वाली न्यूज सुना तो यार मुझे भी थोड़ा समय के लिए यार शॉक लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि गाइस हम लोग फ्री फायर इंडिया के बारे में 3-4 सालों से यार वेट कर रहे, तो गाइस फाइनली ये भी यार डेट फेल होते जा रहा है। प्ले स्टोर पे जब फ्री फायर इंडिया था तो एक उम्मीद था, जो कि अभी के टाइम में वो भी उम्मीद खत्म हो चुका है। यार जब ये वाली न्यूज बिंजेट गेमिंग ने सुना तो उसका रिएक्शन क्या है जैसे आप लोग देख ही सकते हो ना, वो सुनकर ना आप लोग एकदम शॉक होने वाले हो जैसे मैं हुआ हूं। मेरे को सच में ना एकदम इतना हार्ट बीट तेज हो गया ना भाई ये देख के। फ्री फायर इंडिया का जो एप्लीकेशन था ना प्ले स्टोर पे गाइस वो रिमूव हो चुका है, और मुझे लगा कि मेरे साथ ही हुआ। मैंने सारे डिवाइसेस पे चेक किया लेकिन फ्री फायर इंडिया का एप्लीकेशन पूरी तरीके से प्ले स्टोर पे गायब हो चुका है। उसके बाद मैंने सोचा गूगल पे देखता हूँ कि वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिले या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिले या तो वो ऐप मिले कहीं पे फ्री फायर इंडिया, और यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहा है, ट्राई अगेन। मतलब गेम पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है गाइस पूरा प्ले स्टोर से, और ये गेम अब अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। इसी चीज़ का डर था यार, मैं कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, 2 महीने से हम लोग वेट कर रहे थे फ्री फायर इंडिया एप्लीकेशन का, और ऐसे रिमूव नहीं हुआ होगा क्योंकि इस पे ना मिलियंस में करोड़ों में डाउनलोड थे और फ्री फायर इसको ऐसे रिमूव नहीं करता। ज़रूर कुछ बड़ा रीज़न हुआ होगा, या तो गवर्नमेंट वॉर्मेंट का कुछ सीन हुआ होगा, तभी ये गेम पूरी तरीके से इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया है प्ले स्टोर से। और हर जगह से मैंने ट्राई किया ये अवेलेबल नहीं है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्री फायर इंडिया का एप्लीकेशन ऐसे रिमूव हो चुका है। मेरे को लग नहीं रहा है सच में कि फ्री फायर इंडिया वापस आने वाला है। आप लोग भी होप्स अपने आप मत रखो, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही है, ये हमारा लास्ट होप था जो ये प्ले स्टोर पर था, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। बाकी सब तो हुआ ही था, हम लोग 2 महीने से वेट कर ही रहे थे, लेकिन जो आज ये एप्लीकेशन रिमूव हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं सीधे बता रहा है कि शायद से अब गेम नहीं आने वाला है। बहुत बुरा लग रहा है यार सच में।